हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने जो है एक मूवी की एक्सप्लेनेशन है वो हमारी देसी लैंग्वेज में की है। ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हम लोगों को बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखा का पड़ोसी की रेड़ो एक एरियो है जो पूरी तरीके से अंधेरे से ढकेड़ो है। बट एक बड़ो सुरक्षा सोरियो जंगो नाम है माउंटेन किंग, जंग का कारण कोई भी जगह का आसपास ही कौन से है। लोगों को मानना है अगर राजकुमारी 18 साल की होगी तो यो राक्षस जाग जेगो और चारों तरफ उजाड़ कर देगो और राजकुमारी ना आपका सक ले जेगो। राजा भी आपकी बेटी की शादी खातर तत्पर हुए। राजकुमारी का जो बाप है राजा वो पास का एक राज्य से एक राजकुमार ना बुलावे ताकि राजकुमारी बहना देख ले और बहना शादी खातर पसंद कर ले। अगले ही दिन क्योंकि राजकुमारी जो है अगले दिन ही 18 साल की हो रही थी, राजकुमारी को राजकुमार से शादी नहीं करनी थी, इसलिए बाकी है कि बबा छे। और बाद में अपन एक वेस्ट पर नाम को छोरो दिखाई छे जो कि कुछ फल और सब्जियां लेके आपका घर जाओ। तब भी भट्ठा से राजकुमारी आपका घोड़ा पर निकला और अचानक से घोड़ों करना देख के वेस्ट पर जो है वो पानी में गिर छे। राजकुमारी भी बहना बचाने खातर पानी में कूदा और बहना बाहर निकाल लिया। वेश पर राजकुमारी ने कुछ खाने खातर फल और सब्जियां दिखाया पर राजकुमारी इतनी भूखी हो रही कब सारा फल और सब्जियां खाचे। और एंग बीच में आपा दोनों देखा कब दोनों का आंखियां में दूसरे के प्रति प्यार दिखे आपा ने। और सब कुछ खाने के बाद में राजकुमारी आपका घोड़ा पर जान रखा। तब भी वेश पर राजकुमारी ने पूछे कि थारो नाम क्या है, नाम तो बता दो क्योंकि मैंने बेरो को नहीं किया राजकुमारी है। फिर राजकुमारी बहन कहे अगर इस पर चाहे हो तो आप दोबारा मिल जाएगा और यहाँ कह के बैठूँ बात चली जावे। वैसे पर खाली झोली लेके आपको घर आवे। घर आवे जब भाई और बाप खाली झोली देख के बापड़ा दुखी हो छे, नाराज हो से थोड़ा सा क्यों बे बहुत गरीब है बापड़ा। पर बे सोचे कि यो गैवित है, यो इसी गलतियाँ हमेशा करते ही रहे, कोई बात को नहीं। बे बहना घर छोड़ गए और खुद खाना लेने जावे। वो रात ने बैठे 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 आग से खेलते हुए आग से पूरा घर में आग लगाते और पूरा घर ने चढ़ाते। अगले दिन बैंगो भाई और बैंगो बाप आवा घर है। घर आवे जब घर न चढ़ेड़ो देखे वो दुखी हुए और बहन ज़्यादा दुखी हुए गए। बैंक घर के अंदर बैंगा माँ की लास्ट फोटो हुई भाभी बड़गी। ये टाइम वो राजकुमारी भी 18 जाएंगी, राजकुमारी से शादी होने आ रही थी। वो बेश्वर का पापा ने पूछा है कि थे कोई राजकुमारी देखी गई तो बे सारा जना मना करते। पर बेसवर का हाव भाव थोड़ा ठीक होनी अभी टाइम। राजकुमार जो है वे गर्दन पर तलवार रख ले और राजकुमारी के बारे में पूछे तो बेसवर का पापा बोला है कहेंगी बात विश्वास कौन करी जास के, ये हमेशा ही आलतू फालतू की बातें करते रहे। और बहंगी यह बात सुन के राजकुमार बोलो वहाँ से और कह वह वो जल्दी से राजकुमारी ढूंढ ले वो और बहन से शादी कर ले वो और सारो राज्य है वो हड़प ले वो। इतो कह के वो राजकुमार बठों चले जाए। पर बेस पर गया भी समझ में आ जाएगा भाई एक राजकुमारी थी कोई आम औरत को नहीं थी जैन आपा फल और सब्जी खुआई। दूसरी तरफ आपा देखा अगर राजकुमारी ने राक्षस उठा लीजिए और बेस पर का पापा जो है बेस पर ना छोड़ के बाकी सारा ना थोड़ा बहुत बाकी जो बेटा है वाना पीछा देवा थोड़ा बहुत जो बच्चा था और क्या वह कहते राजकुमारी ढूंढ लो ताकि अपन इनाम मिल जाए और आप दोबारा घर पर। बेस पर सोचा बटो पप्पू अपन तो दिया को नहीं पिया, वो पूछा पापा मैं की करूँ तो वे पापा बोला तेरा मन में वो कर बस तू अट्ठा ना ये यार। एक बाद में बेस पर भी आपका भाई यहाँ पीछे पीछे चल पड़े। रास्ता में मन एक टूटेड़ो शिशो मिले फिर भी और आगे चल पड़े। थोड़ा सा आगे चलना पापा तीनों आने एक लुगाई की आवाज़ सुनाई देवे, ओपरी लुगाई की बा भाई मदद खातर चिल्ला रही। बेस पर तो बेंगे मदद करने खातर चलो जाए। बे तीनों भाई सोचे नहीं कोई ओपरी होनी बढ़न दो बे बेटा टाइम वेस्ट करना हो चक्कर में बे बैठू चल पड़े। एक बाद में आपा लोग देखा कि बेस पर भी लुगाई की जाएंगी आवाज़ के पीछे गए बा एक बुढ़ी सी लुगाई थी जंग नाग भी बोली लंबी थी और बेंगे नाग एक पेड़ में फंस रही
भैंस पर बेंगी मदद करने जावे, मदद करे तो बूढ़िया बूढ़ी भैंस पूछे तो बेटा तू अठे के लेने आयो। भैंस पर बोला मैं राजकुमार ढूंढने आयो। तो बूढ़िया कहे भाई भविष्यवाणी सच्ची होगी, वो राक्षस भी राजकुमारी ने लिखो। पर भी राक्षस ने एक तलवार सहराया जासके। भैंस पर पूछे वह तलवार मैंने कटे मिलेगी? तो भैंस पर एक बड़ी आदमी हो जब बूढ़ी भी तलवार को मैं पे वो बेन देते है। नक्शा ने फॉलो करते करते वो थोड़ी सी आगे से पूछे और दूसरी तरफ अपन दिखावा कि बेंगा भाई जो है बन एक सोना का कलर का सेव की टोकरी मिले तो वे भी सेव ने खड़ना छे। और थोड़ी देर में बैठा सोनी सी छोरियाँ आवे, वे छोरियाँ बना कह थे मार सागे चलो मैं थाना और भी खानों ख्वासियाँ बढ़िया खानों ख्वासियाँ जो थे जिंदगी में कदी कौन खाई होना। मैं सोचा चलो सुनी सुनी छोरियाँ बापड़ी इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो आप आ सके चल वे चल पड़े। और दूसरी तरफ अपन दिखाई जाए कि वेश पर भी मैं अपना पीछे रास्ता पर जातो जातो भट्ठे पूंजे और बेने भी सोना कलर को सेव मिले और वो बेना खा ले और वो भी गुफा में चलो जाए जठा बेंगा भाई बैठा हुए वो देखा कि सुनी सुनी छोरियाँ हैं वो भाइया ने खाना खिला रही है तो आपा भी खा लिया भाइया सा जाके जो बढ़ जाके बैठ छे और खाना छे। और वो जी खाणो खाण खातर हाथ बढ़ावे वो खाणो है बेना कीड़ा मकोड़ा बदल तो दिखलना छे। वो यो सब देख के वो चौंक जे और वह छोरी भी बहन देख ले कि भाई इन दिखना रही तो वह कह कह भाई बहन एक सोना कलर को सेव और देगा तू वो खा। और बाकी छोरियाँ भी थोड़ी थोड़ी देर में बहन भाई ने सोना को सेव है वो खिला रही थी। पर वेश पर वह शाणो वो समझ गया हो ना हो ही सेव गंदरी की न की गड़बड़ है और ये लुगा बड़ा अपने मार के छोटेगी। भाई वेश पर को सोना को सेव खाणो ना टकलना जे थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाए बेन अभी सुनी सुनी छोरियाँ हैं बे डाकण के रूप में दिखना चाहिए। वो आपका भैया ने कहे कह भाइयों आप नए होकर देखने जावा बेन देख चला तो बेगा भाई भी वेस पर के पीछे पीछे चल पड़े। पर बे डाकना समझ जाइए भाई डा भागा घाट तो बे वांगो रास्ता रोकने की कोशिश करे पर वो वेस पर थोड़ी सी बहादुरी दिखा गया आपका भैया ने वहाँ गुफा से बारे निकाल लिया और फिर वे नक्शा ना देख के आगे बढ़ने लग छे। आगे बढ़ता बढ़ता बने एक रेस्टोरेंट मिले वे बट जाके रुक छे। रेस्टोरेंट में बेस पर नक्शा खोल के देखा का तलवार कट सी है तो वो देखा तो तलवार जो है वो एक झील के अंदर है और भी झील के चारों में रहे वो छारी है कोरो छारी है। तभी बैठा वो राजकुमार आ जाएंगे राजकुमारी से शादी होना रही वो बाना कह रहा बेटी के बापू बता दो राजकुमारी किन्ने है मैं थाना कुछ रिपड़ा दे दूँगा और थे बता दो। बेस पर का भाई भाई रिपड़ा देख गया लालच माजे बेस पर न कहे अरे दे दे न का नक्शो दे दे और आपा रुपया लेके चला। पर बेस पर नाड़ जे बड़ो सीधो सीधो गया मुँह पे मैं तो कौन दूँ कर ले जाते रहो करीच है बांगा बीच में लड़ाई हुए लड़ाई हो जब बेस पर बेंगा भाई बैठू भाग चला भागन लग जा भागता भागता बेग झरना पर पूछे वो राजकुमारी वहाँ पीछे करते करते भी झरना पा छे वे बड़ा तीनों जना झरना में कूद छे कूद के झरना में थोड़ी देर में बारह निकला जब भाई कह अरे बेटी का कार्ड शान ले ली है तू तुम्हारी और जितो भी कुछ सेना पड़ रही है वो तेरह बजे सेना पड़ रही है फिर कह चल अब देखी जाएगी जो होना है वो होना ही है बे तो कह के चल पड़े नक्शा ने फॉलो करता वे भाई एक लेक का किनारा पूछे नदी का किनारा पूछे बटा बहुत ज़्यादा धुंधी तो बटा वो वेस पर का भाई भैंस बिछड़ जे और वेस पर का भाई है तो राजकुमार पकड़ ले पर वेस पर जो है वो झील का किनारा पूछ जे अंदर तलवार थी वो झील के अंदर डुबकी मारे तलवार काट दिया फिर वो देखा है भाई अपना बैड़ा कि गया दिख रहा था कौन वो ढूंढ तो बने देखा है राजकुमार बेने बेंगा भाई ने पकड़ लियो। वेस पर भालू की पोशाक पेरे और राजकुमार और बेंगा सैनिका अंडाने की कोशिश करे ताकि आपका भाई ने छुड़ा सके मगर बेंगो यू आई डी वो प्लान फेल हो जाए और बेने भी वे लोग पकड़ दे। रात में राजकुमार और बेंगा साथी है वो खानो बनावा वो खाना की मैक सुंग गए वो राक्षस भी बैठा छे और वहाँ पे हम लोग करते राक्षस से डर गए वे सारा इन्ने भागना छे।
लेकिन राक्षस की है कि राजकुमार ने और वेश्वर का एक भाई ने पकड़ के आपका सागर ले छे। वेश्वर यो सारो की ड्रामो देख के बटर रोन लाग जे लिट जे का भाईड़ा, यो जो भी कुछ हुए वो मेरा वजह से हुए, मेरी बुद्धि खराब हो रही, उल्टा सुल्टा काम करते फिरा हो। पर बैंक भाई का ना भाया, तेरी कोई गलती को नहीं, अप्पा बाना बचाने चलांगा। तो बे दोनों भाई के करा राक्षस सारी गुफा में छा। और दूसरी तरफ अपन दिखाई जाए कि राजकुमार ने बैठा है गुफा में, राजकुमारी मिल छे, तो वो बेना बुलाने चपड़ाने की कोशिश करे, बेना कहे मैं तेने बचाना आया हूँ, तेरा खतर जान पर खेल गए। बीच में बैंक वेस्पर को भाई बोले ना झूठो है वो, एक नंबर को बचाण के अंगवाए, वो तो यहाँ कहे मैं राजकुमारी हूँ, ब्याह करके बेना मारूँगा ताकि मैं राज्य अड़प लूँ। राजकुमारी का तू कौन है बीच में बोलनी हो, जब वो कहकर मैं थारो ही राज्य को एक आम नागरिक हूँ और जल्दी ही मेरे भाई अपन दोनों ने बचाना ठो अच्छे को, और अपन अब राक्षस ना मार के गुफा से पर निकाल दे। थोड़ी देर में वो वेश पर बटक पहुँच जाए राजकुमारी का ना और आपका भाई करना, और बन ले गए बटू चाल पड़ा। लेकिन वो राक्षस की है कि वो जाग जे और बन देख ले बे भाई बहन से बसता बसता बे एक ऊंची सी पहाड़ी पर पहुँचे, और वो राजकुमार भी गुफा में लुक्यो रहे छे। अब बे भाई बंग पीछो कर ला, जब वो राक्षस जब वो वेश पर सोचा भाई है ना मारा, जब वो तलवार काटा पर वह तलवार बैंग हाथ छूट जे और वह पहाड़ पर नीचे खींचे। अब राजकुमारी और वेश पर को भाई समझ जाएगा यो भाई राक्षस है ना मार के छोड़ा को, यहाँ छोड़ा को नहीं, तो बे के करेगा बैंग ऊपर दगड़ मारना छे ताकि बैंग ध्यान भटक छे। तब भी वेश पर का दिमाग में एक आइडिया होगा, आप मिरर दिखावा ताकि वो छिलको पड़ने से अंत हो जाए और आप भाग जाओ। वो भाई ने भी ना भागा, थोड़ा सा भटका वह राक्षस ने, वो सूरज को वेट करना चाहिए, और जिए वो सूरज निकला है वो मैं पे राक्षस ने वो शिशो दिखावे, पर जिए शिशो देखा राक्षस सूरज निकला वो राक्षस के पत्थर को बन जाए। अठा अपना समझ में आगे वो राक्षस रात ने क्यों निकलतो, क्योंकि वो सूरज से बचने खातर रात ने निकलतो। थोड़ी देर में राजकुमारी ने लेके बेगा भाई और बेश्वर बे है राजा का घर है छोटिया है, और राजा रानी राजकुमारी ने देखे बोला राजी हुए, और वेश्वर ने और वेश्वर का भाई ने बोलो सारो इनाम दिवे। वेश्वर वो इनाम आपका घर ले जे, घर जाने पर वेश्वर का बापू बहुत राजी हुए, कहा आज तो भाई निहाली कर दिया, खूब इनाम ले आया। बठे बेगा भाई बतावे कि बापू मैं तो क्या न्याल कर दिया, न्याल तो वेश्वर कर दिया, वेश्वर ही है वो आपकी बहादुरी से भाई राजकुमारी ने ढूंढ के लाया। फिर भी भाया एक नया घर बनावे, और फिल्म का अंत में आपा देखा कि वो राजकुमारी भी है वो भटकतो भाई सोना का सेवा करना पूछे और बस डाकना का जाल में फंस जाए, और अठी बार फिल्म है वह खत्म है।